कैपिटल स्मार्ट सिटी में 7 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है ग्रैंड बैलेट। इस ग्रैंड बैलेट को लेके मेंबर्स के दो सवाल जो कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं वो ये हैं कि इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने बाइंड किया मेंबर्स को कि तमाम मेंबर्स एक्नॉलेजमेंट रिसीट हासिल करें, इस एक्नॉलेजमेंट रिसीट की क्या इंपॉर्टेंस है, नंबर वन। नंबर टू, कैपिटल स्मार्ट सिटी में जो स्लैब सिस्टम क्रिएट किया गया, इस स्लैब सिस्टम का मतलब क्या है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आए हैं, तो मैंने सोचा इस डिटेल से इस टॉपिक में, इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चन को डिटेल से थॉरली आंसर कर सकूँ। नंबर वन, कि आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट की क्या इंपॉर्टेंस है। एक्नॉलेजमेंट रिसीट का मतलब ये होता है कि सोसाइटी से आपने एक्नॉलेजमेंट रिसीट अगर ली है तो आप बैलेटिंग में या फिर लोकेशन सिलेक्शन में क्वालिफाई कर गए हैं। वो जो एक्नॉलेजमेंट रिसीट है बेसिकली आपका प्रूफ है कि आपको ये अथॉरिटी है कि आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीट नहीं है तो आपका प्लॉट ना बैलेटिंग में कंसिडर होगा ना आपके प्लॉट को लोकेशन सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। तो एक्नॉलेजमेंट रिसीट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। नंबर टू, अब ये स्लैब सिस्टम क्या है। कैपिटल स्मार्ट सिटी इंतजामिया ने डिफरेंट ब्लॉक्स को लेकर डिफरेंट स्लैब सिस्टम क्रिएट किए हैं। स्लैब सिस्टम का मतलब क्या है। स्लैब सिस्टम का मतलब ये है कि आपके पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अपॉर्चुनिटी है उसको उन्होंने एक मॉडर्न कहने के लफ्ज़ का नाम दिया स्लैब सिस्टम। जिन मेंबर्स ने 100% कैपिटल स्मार्ट सिटी को पेमेंट की हुई है वो स्लैब वन में फॉल करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल था ओवरसीज वेस्ट की। फिर उसके बाद सेकंड स्लैब ये बनता है जिन मेंबर्स ने एक सर्टन अमाउंट पे की हुई है बट 100% नहीं है, स्लैब टू में फॉल करता है। फिर उस तरह ओवरसीज प्राइम टू को लेकर स्लैब सिस्टम है। स्लैब सिस्टम का लफ्जी मतलब ये है कि जिस मेंबर ने जितनी ज़्यादा पेमेंट की हुई है उस मेंबर को उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसा कि ओवरसीज वेस्ट में प्लॉट देख लें, ओवरसीज प्राइम टू देख लें, एग्जेक्टिव वेस्ट में देख लें, जिन मेंबर्स का 100% पेड है उन मेंबर को सबसे पहले यानी 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर के दरमियान उनको सिलेक्शन ऑफर की जाएगी। तो मैप पे तमाम मेंबर्स जो स्लैब टू में आते हैं उनको स्लैब वन से प्रायोरिटी नहीं है, जो स्लैब थ्री में आते हैं उनको स्लैब टू से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है, और उसके बाद जो जनरल बैलेट में आते हैं तो उनके पास वो प्रायोरिटी नहीं है जो स्लैब वन टू थ्री वालों के पास है। स्लैब वन का मतलब है कि सबसे पहले सिलेक्शन वो करेंगे जिनके पास स्लैब वन की रिसीट है। स्लैब टू का मतलब वो है कि स्लैब वन वाले जब अपनी सिलेक्शन खत्म कर लेंगे तो स्लैब टू को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपने प्लॉट की सिलेक्शन कर सकते हैं, उसके बाद फिर स्लैब थ्री वालों को ऑप्शन दिया जाएगा। तो बेसिकली सोसाइटी की तरफ से प्रॉपरली एक डिस्टिंग्विश कर दिया गया मेंबर्स को कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे जिन लोगों ने ज्यादा पैसे दिए हैं उनको पहले लोकेशन ऑफर की जाएगी, जिन्होंने कम पैसे दिए हैं उनको बाद में लोकेशन ऑफर की जाएगी। अब जनरली लोग सवाल करते हैं क्या स्लैब सिस्टम को फॉलो करना चाहिए या स्लैब जरूरी है सिलेक्शन के लिए। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आपको जितना ऊपर का स्लैब मिलेगा, जितना अच्छा स्लैब मिलेगा उतने आपकी प्लॉट की लोकेशन अच्छी होगी, और जितना नीचे का स्लैब मिलेगा उतने आपकी प्लॉट की लोकेशन कमतर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक इंडिविजुअल है जिसके पास 100% पेड एक प्लॉट है, उसके पास स्लैब वन के आपके पास रिसीट है, एक्नॉलेजमेंट रिसीट। स्लैब वन का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको मैप पे प्लॉट मिलेगा। अब एक इंडिविजुअल है रिजवान चीमा, उसको स्लैब थ्री या स्लैब फोर या बैलेटिंग का प्लॉट मिला है, तो उसके पास वही प्लॉट आएंगे जो स्लैब वन स्लैब टू स्लैब थ्री वाले सिलेक्शन करने के बाद रिमेनिंग प्लॉट जो छोड़ेंगे उसको मैं बैलेटिंग में कंसिडर करूंगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा मेंबर से कि अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, आपने हासिल कर ली है, तो ट्राई करें अपर से अपर स्लैब पर जाने की ताकि आपको मैक्सिमम अच्छे ऑप्शन जो है लोकेशन के हिसाब से वो ऑफर किए जा सकें। तो मेंबर के लिए लोकेशन बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी लोकेशन के बेस पे कल को आपने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्रिएट करनी है। जो लोकेशन जितनी अच्छी होगी उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसके मल्टीपल टाइम एग्जांपल दे चुका हूं कि देयर आर थ्री थिंग्स इन रियल एस्टेट व्हिच आर रियली इंपॉर्टेंट, नंबर वन लोकेशन, नंबर टू लोकेशन एंड नंबर थ्री लोकेशन। तो लोकेशन इज एवरीथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्लॉट। तो आपको इस पॉइंट को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए कि आपका प्रॉपर्टी कैपिटल स्मार्ट सिटी में है और आपको स्मार्ट सिटी वाली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं तो इसको लाजमी अवेल करें। सो दिस वॉज इट। अक्सर मेंबर ये सवाल करें तो मैंने सोचा इस पर डिटेल से आंसर कर सकूँ। रिजवान चीमा को दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक के लिए। खुदा हाफिज़।